टुडे वी विल गो एंड स्टार्ट दिस लेक्चर थ्री डायमेंशनल स्टेट जनरलाइज हुक्स लॉ। देखिए एक क्यूब है जिस पे हमने एक्स एक्सिस पे सिग्मा एक्स अप्लाइड किया है, स्ट्रेन ऑफ एक्स, स्ट्रेन ऑफ वाई, स्ट्रेन ऑफ जेड। तो उससे पता चलता है कि देखिए ये एक क्यूब है जो थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन स्टेट में, जो एक दूसरे को मच्योरली परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एक्स डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेस एक्स अप्लाइड किया, स्ट्रेस ऑफ एक्स वाई डायरेक्शन में, स्ट्रेस ऑफ वाई जेड डायरेक्शन, स्ट्रेस ऑफ जेड अप्लाइड किया, तो वही इसमें लिखा है। लेटेस्ट कॉन्टर एक मैंने क्यूब लिया जिस जो मच्योरली परपेंडिकुलर है थ्री स्ट्रेस, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर, जिसे उसको हम लोग द स्टेट ऑफ नॉन थ्री, जिसे हम थ्री डायमेंशन भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों आ जाता है तो थ्री डायमेंशन स्ट्रेस बोलते हैं उसको। द स्ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स प्रोड्यूस अलॉन्ग दैट टेंसाइल स्ट्रेन अलॉन्ग द एक्सिस एंड सिग्मा वाई, सिग्मा जेड प्रोड्यूस इन कंप्रेसिव स्ट्रेन अलॉन्ग एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि आपको मैंने बताया जब भी कभी लेंथ की अगर बात आ जाए किसी भी में, किसी भी यानी कि रॉड या कोई भी यानी कि मटेरियल हो, यानी कि जब लेंथ की बात आ जाए तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लीनियर की बात है। लीनियर कब होगा कोई भी डायमेंशन, जब वो उस पर टेंसाइल रहेगा, टेंसाइल फोर्स अप्लाइड होगा। तो ये एक टेंसाइल हो गया, टेंसाइल मतलब पॉजिटिव। और जब ब्रेथ और थिकनेस की बात आएगी तो हमेशा लेटरल। मैंने पॉइजन रेशियो में बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ जिसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाइड होता है, ब्रेथ और थिकनेस जिसमें लेटरल जो कि उसमें कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड होता है। कंप्रेसिव फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप याद रख लीजिए एक्स एक्सिस में स्ट्रेन ऑफ एक्स एक्सिस में लेंथ होती है, वाई और जेड एक्सिस में ब्रेथ एंड थिकनेस आता है, जिस कारण उसको यानी कि कंप्रेसिव कहते हैं और उसमें नेगेटिव फोर्स अप्लाइड होता है। और यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रेन की तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन हो जाती है, तो इसीलिए सिग्मा एस प्रोड्यूस इन लॉन्गिट्यूडनल, डैट मीन्स टेंसाइल स्ट्रेन वो प्रोड्यूस करेगी और सिग्मा अलॉन्ग एक्सेसिस के सिग्मा वाई सिग्मा जेड प्रोड्यूस करेगी कंप्रेसिव स्ट्रेन अलॉन्ग एक्सेसिस के। तो आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बराबर उसके हिसाब से, सिग्मा एक्स बराबर हम तो समझ गए पाला वाला जो हो जाएगा टेंसाइल फोर्स होगा सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब सिग्मा वाई में अगर हमने सिग्मा वाई में यानी कि टेंसाइल फोर्स लगाए तो फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव पार्ट होगा बाकी निगेटिव हो जाएगा। सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा जेड बाई थर्ड वाला में हो जाएगा सिग्मा जेड, तो उसमें भी तो सिग्मा जेड बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई म्यू सिग्मा जेड, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला टेंसाइल फोर्स लगाया लॉन्ग एक्सिस इसलिए फर्स्ट वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव है। द अबाउट थ्री इक्वेशन इज नोन एज जनरलाइज, वो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को हम जनरलाइज हुक्स लॉस के से भी डिनोट उसको काटते हैं, कॉल करते हैं। फॉर स्टेट इज ए यूनी एक्सियल अलॉन्ग एक्सिस द स्टेट, यानी कि बता रहा है ये तीन इक्वेशन है, अगर हमने यूनी एक्सेल अलॉन्ग द एक्स डायरेक्ट एक्सिस स्ट्रेन अलॉन्ग देयर थ्री डायमेंशन कैन बी ऑब्टेन जिंग सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर जीरो। उसका मतलब रहता है किसी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने यूनी एक्सेल स्ट्रेन अप्लाइड किया तो उसके डायमेंशन में क्या ऑब्टेंड होगा, क्या यूज होगा, सिग्मा वाई सिग्मा जेड जीरो हो जाएगा बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट में सिग्मा वाई सिग्मा जेड जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेन ऑफ एक्स बराबर स्ट्रेस ऑफ एक्स बाई ई हो जाएगा। दूसरा में अगर सिग्मा वाई सिग्मा जेड जीरो, सिग्मा वाई सिग्मा जेड जीरो होता है माइनस में सिग्मा स्ट्रेस ऑफ एक्स बाई ई हो जाएगा माइनस में स्ट्रेस ऑफ एक्स अपॉन ई। अगर फिर थर्ड इक्वेशन में सिग्मा वाई सिग्मा जेड अगर जीरो हो जाएगा सिग्मा वाई सिग्मा जेड माइनस में स्ट्रेस ऑफ एक्स अपॉन ई हो जाएगा। फॉर स्टेट ऑफ द स्ट्रेस ऑफ बाई एक्सियल स्टेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई के, अगर उसके वहाँ पे तो यूनी एक्सियल डायरेक्शन था, अब यहाँ पे क्या है बाई एक्सियल स्ट्रेस उसमें अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस, इसमें ई जेड मात्रे जीरो हो जाएगा। अगर फिर इक्वेशन इक्वेशन को पुट कर देंगे वाई जेड बराबर स्ट्रेस ऑफ जेड बराबर जीरो, तो इतना उतार देंगे सिग्मा एक्स वाई स्ट्रेस ऑफ एक्स अपन ई माइनस में स्ट्रेस ऑफ वाई अपन ई, वहाँ पर मैंने लिख दिया। और दूसरा वाला सेकेंड इक्वेशन में भी
अगर हम स्ट्रेस ऑफ जेड बराबर जीरो दे दें, फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो इतना हो जाएगा स्ट्रेस ऑफ वाई अपन ई माइनस में स्ट्रेस ऑफ एक्स अपन ई, मैंने लिखा है स्ट्रेस ऑफ वाई अपन ई माइनस म्यू स्ट्रेस ऑफ एक्स अपन ई, स्ट्रेस ऑफ जेड, अब यहाँ पे स्ट्रेस ऑफ जेड वहाँ पे भी जीरो मैंने रख दिया, तो माइनस में हो जाएगा दोनों, माइनस म्यू स्ट्रेस ऑफ वाई अपन ई माइनस म्यू स्ट्रेस ऑफ एक्स अपन ई हो जाएगा, उसको मैंने सेम उतार दिया फॉर रेक्टेंगुलर बार। अब ये देखिए ये एक रेक्टेंगुलर बार के आकार का है, वाइड के आकार का, द वॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूमेट्रिक क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व करके ई वी बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड निकाला था पिछले लेक्चर में। अब ई एक्स वाई ई जेड फिर यानी कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड तीनों का वैल्यू डाल देंगे, स्ट्रेन ऑफ वी बराबर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स का वैल्यू ई स्ट्रेन ऑफ एक्स ई ई माइनस म्यू स्ट्रेन ऑफ वाई अपन ई माइनस म्यू स्ट्रेन ऑफ जेड अपन ई प्लस स्ट्रेन ऑफ वाई अपन ई माइनस म्यू स्ट्रेन ऑफ एक्स अपन ई माइनस म्यू स्ट्रेन ऑफ जेड अपन ई स्ट्रेन ऑफ प्लस माइनस म्यू स्ट्रेन ऑफ एक्स अपन ई माइनस म्यू स्ट्रेन ऑफ वाई अपन ई प्लस स्ट्रेन ऑफ जेड अपन ई, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तब हमको हो जाएगा, पहले तो पॉजिटिव वाला को एक स्ट्रेन ऑफ एक्स अपन ई स्ट्रेन ऑफ वाई अपन ई स्ट्रेन ऑफ जेड अपन ई पॉजिटिव वाले को एक साइड कर ली, अब स्ट्रेन ऑफ वाई अपन ई देखिए वहाँ पे भी स्ट्रेन ऑफ वाई अपन ई तो दो हो गया, माइनस टू स्ट्रेन म्यू स्ट्रेन ऑफ वाई अपन ई हो जाएगा, अब जेड वाला यहाँ पे भी है म्यू है और यहाँ पे भी है तो उसको भी माइनस टू म्यू स्ट्रेन ऑफ एक्स अपन ई कर लिए, जेड वाला भी है तो जेड वाला और एक्स वाला भी है ये और ये, तो उनको भी हम ज्वाइंट कर लें। अब देख लीजिए उसको हमने एक कोस्ट में रख दिया और माइनस टू म्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो स्ट्रेन ऑफ एक्स अपन ई सेम आ जाता है उसके तरह, तो यहाँ से अगर उसको कॉमन ले लिया जाए तो वन माइनस टू म्यू आ जाएगा, उसी को हम दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम फॉर रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्ट टू स्ट्रेस अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस डायरेक्शन, यानी कि उसी इक्वेशन को हमने यूज करने के लिए ये इक्वेशन सॉल्व किया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी इज इक्वल टू यही हो गया, ये इसी से हम लोग उसी के बेसिस पे हमने यानी कि कांस्टेंट का रिलेशन बिटवीन फाइंड आउट करेंगे, अगर ये हमको पूरा क्लियरली मालूम होगा तभी हम लोग कांस्टेंट फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए अच्छा से समझने की कोशिश करिए, प्लीज़ उस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।